बाप की कुर्सी कमजोर है, मां की कुर्सी बेबस है, खुदा की कुर्सी को लोग भूले हुए हैं, कुर्सी समझ से बाहर है। ख्वाहिशों की कुर्सी मजबूत है, जरूरतों की कुर्सी खींच रही है, दौलत की कुर्सी में लरसा है। कुर्सी संभालना हर एक के बस की बात नहीं, वो आम सी कुर्सी। दो तीन दिन हो गए पार्टी कर रहे हैं, अब आगे क्या होगा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या होगा। ये क्या है? ये चांदने की वाली है 300-400 की, आप बेच दें तो 4 दिन का राशन आ जाएगा। मुझसे ये नहीं हो सकता, इसको दोबारा वापस मिला। बाबा मेरी एक दोस्त है, उसके पास बिल्कुल ऐसी गुड़ी है और वो कहती है तुम्हारे बाबा तो तुम्हें दिला नहीं सकते, आप मुझे ऐसी गुड़िया दिला देंगे ना? मेरा बेटा, मैं तुम्हें इससे भी अच्छी गुड़िया ला कर दूंगा। खता पे
है तू रहमान है, हमारा तो इस पे ईमान है, तेरा करम हम पे है सायाफियन, हमारे लबों पे ये इकरार है, खताओं पे अपनी शर्मसार है, इलाही करम काफ से किनारे पे पड़ी है तू, रे से रो रही है, सीन से सहमी हुई है तो ये से ये कह रही है, ऐ खुदा किसी को ऐसी जिंदगी ना दे, जिंदगी दे तो यूं बेबसी ना दे, दिल में रहे सदा ख्वाहिश औलाद की मिला करे, पर ना हो सके पूरी कोई ऐसी मजबूरी न दे, वो आम सी कुर्सी जो सब कुछ जानते हुए भी कह न सकी समझ न सकी संभल न सकी संभाल न सकी, वो आम सी कुर्सी एक बाप की लाचारी को बेबसी को कमजोरी को, एक औलाद की ख्वाहिश को हसरत को उम्मीद को, वो आम सी कुर्सी गिरते गिरते भी कह गई, दर्द दर्द ही रहा, सीधा भी लिखा और उल्टा भी।